फ्रेंड्स हमारे घर हुसैन आया हुआ है, देखते हैं हम हुसैन के साथ कैसे इन्वाइट करते हैं। वेलकम बैक टू दोस्तों किचन किचन। कौन जीतता है? मुंडी छह और दो, कितने? दो, तीन, चार, लूडो पांच, उड़ा छह, दी मुंडी। दो। तो गाइस मैं तो जीत रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। इसके दो जानी मेरी, एक जानी है। ओ पांच और एक छह, एक दो तीन चार पांच छह। तो मैं दोनों की हिला दूँ। तो गाइस वासे तो हार चुका था। मैं कहती हूँ मैं कूद गई क्या? वाले की पांच, एक भी नहीं गई एक दो थी। तीन चार पांच छह सात आठ। ये सो के मेरे मेरे भी तगड़ा मुकाबला चल रहा है। फ्रेंड्स मैं जीत गया हूँ। मेरी चारों चारों गोटी अंदर चल गई, यूसुफ की दो गई है। मेरे सिपाही ज्यादा है, इससे कम है। हमने नाश्ते में आलू के पराठे खाए। सर्दियों में आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। रात के खाने में हमने सोचा कि जिस तरह बच्चों को खांसी वगैरह लगी हुई है तो इनके लिए चिकन सूप और क्रैकर्स बना लेते हैं। जो खांसी के लिए सूप तो बहुत अच्छा है, क्रैकर्स वैसे बच्चों खा लेते हैं फिर सूप आराम से। सूप के लिए आप यखनी बना लें। मैंने देसी चिकन की हड्डियाँ ली थी और बोनलेस चिकन दूसरा ब्रायलर लिया था, क्योंकि देसी चिकन पे इतना वो होते नहीं है बोटी वगैरह, तो इसीलिए साथ मुझे ऐड करनी पड़ी दूसरी दूसरा चिकन। और साथ आप जो आपको सब्जियां पसंद हैं, गाजर, शिमला, बंद गोभी, हरी मिर्च, ये काट लें। एक हरी मिर्च भी काट लें, ज़्यादा ऐड ना करें वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा आपका सूप। चिकन गल गया है तो उसके आप हड्डियाँ अलहदा कर लें और बोनलेस के रेशे कर लें। देसी चिकन से चिकन का सूप बहुत अच्छा हो जाता है, और जो ब्रायलर चिकन की बोटी होती है उससे सूप की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाती है। चिकन को मैंने कर लिया है, उसको रेशे रेशे कर लिया है, हड्डी को फेंक दिया है, और जो अब उसको जो ये सारी चीज़ें हैं ये आप यखनी के अंदर डाल लें। यखनी को आप छान लें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ये ज़रा साफ़ सुथरा सा सूप लगता है। इसमें मैंने चिकन डाल लिया है और साथ ही आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर लें। अब इसके अंदर आप काली मिर्च का एक चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च लें और नमक के दो चम्मच भर के डाल दें। और अब हम सॉसेस बनाते हैं। हरी मिर्च को काट लें बारीक बारीक, जितनी आपको पसंद है हरी मिर्च आप उसमें काट लें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप दो काट लें, मैंने आधी काटी हैं। और दूसरी कौली में मैंने जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाले हैं, उसमें रेड सॉस बनाऊंगी। उसके अंदर आपने रेड चिली सॉस में आप सॉरी रेड चिली फ्लेक्स में आपने चिली सॉस डालनी है, जो रेड चिली सॉस होती है वो डालनी। इससे चिली सॉस बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है, स्पाइसी सा ज़रा फ्लेवर आता है। और फिर सिरका आपने डालना है हरी मिर्च के अंदर। ये शंग्रीला का सिरका है, ये आपने हरी मिर्च के अंदर डाल देना है।
और इसको अगर आप थोड़ा सा जल्दी बना लें तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। जितनी देर ये बना रहेगा उतना इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और इन दोनों को अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। सूप सर पुराने वाले की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, टूट फूट ज़रा ज़्यादा गया है, तो मैंने ये नया वाला जो है सूप सेट खोला है और ये फर्स्ट टाइम हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सूप तो बन रहा है और अब क्रैकर्स बनाने हैं। क्रैकर्स बनाने के लिए आपने तेल को गरम कर देना है और फिर उसकी मीडियम हीट पे फ्राई करने हैं। पहले एक डाल के चेक कर लें, अगर आपको लगे कि ये सही बन रहे हैं, ऑयल की आपको हीट का पता चल जाएगा, तो एक को निकाल के फिर आप इसको वेस्ट कर दें क्योंकि ये तो सख्त हो जाएगा। आपने अब जो है बाकी डालने हैं वो इसी ऑयल में डालने हैं और जैसे ही डालने हैं फौरन फौरन आपने उसको निकाल लेने हैं। आप साथ साथ देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। स्टार्ट वाले क्रैकर्स इतने अच्छे नहीं बनते, एक तो वो सख्त हो जाते हैं और दूसरा उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल चला जाता है। सूप के लिए जो मैंने कॉर्नफ्लोर था रफान का, उसको पानी में ऐड कर लिया है और इसको मैं अब सूप के अंदर डाल दूँगी। साथ साथ क्रैकर्स भी माशाल्लाह से बन रहे हैं, अब अच्छी फॉर्म में बन रहे हैं। सूप को अच्छी तरह बॉयल आ गया है, अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। आपने हाथ रोकने नहीं है क्योंकि अगर आप इसको हिलाना बंद कर देंगे तो इसके अंदर गिटलियाँ बन जाएंगी जो फिर किसी सूरत ख़त्म नहीं होती और वो बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होती। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप चमचा जो है वो तेज़ तेज़ अंदर चलाते रहें और आग को भी ज़रा आहिस्ता ही रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पर इसको मत पकाएं। इसके साथ फिर आपने एंड पे एक अंडा तोड़ना है, उसको अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है। इस पॉइंट पे आप इसका सूप का नमक चेक कर लें, अगर डालने की ज़रूरत है तो डाल दें। अब अंडे को अच्छी तरह बीट कर लें और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता सूप में ऐड कर देना है। इसको अंडे को कोशिश करें थोड़े ज़्यादा बीट किया हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बीट नहीं करेंगे तो वो अंडा जो है वो सारा एक ही साइड पर जाके जम जाता है और वो बहुत ही देखने में बुरा लगता है और खाने में भी उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता सूप का। साथ साथ आप चमचा बाकायदगी से हिलाते रहें। फ्रेंड्स, आप लोग सूप कैसे बनाते हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपनी रेसिपी में। इसके साथ ही हमारा सूप और क्रैकर्स तैयार हो गए हैं। रात का हमारा डिनर आज यही था। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।